Hello friends, welcome back to गुप्ता ट्यूब फ्रेंड YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने जीमेल प्रोफाइल पिक्चर को कैसे डिलीट करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि जीमेल के प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर लेते हैं तो कि वो इजीली होता है, लेकिन जीमेल के अंदर जो सेटिंग होता है उसके अंदर आपको डिलीट करने के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत अंदर होते हैं। इस कारण बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को जान नहीं पाते हैं और वो अपने प्रोफाइल पिक्चर को डिलीट करने में नाकाम हो जाते हैं। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आपको बताएंगे कि जीमेल का प्रोफाइल पिक्चर कैसे डिलीट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जीमेल को लॉगिन करें। जीमेल सर्च किया मैंने, जीमेल सर्च करने के बाद google.com/gmail पर जाएंगे। मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है, अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो सबसे पहले जीमेल आईडी मांगेगा, यानी कि जीमेल एड्रेस इंटर करना होगा, उसके बाद पासवर्ड इंटर करना होगा। मैं ये डेस्कटॉप वर्जन में बता रहा हूँ, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करें। उसके बाद सबसे ऊपर राइट साइड में 3 डॉट आइकन शो होगा, उस पर क्लिक करें और फिर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करें। डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप के जैसा स्क्रीन उसमें शो होगा और सारे ऑप्शन इस डेस्कटॉप के जैसा शो होने लगेंगे। सबसे पहले जीमेल लॉगिन होने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल पिक्चर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट का एक बटन शो होगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, जैसे पर्सनल इन्फो एंड प्राइवेसी के अंदर योर पर्सनल इन्फो वाले एरिया में जाएं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे नेम, ईमेल, फोन, बर्थडे, डेट, जेंडर, अबाउट मी, गूगल प्लस सेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। अबाउट मी में क्लिक करना है आपको। अबाउट मी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नया एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको जिसमें आपके चैनल के बारे में या आपके अकाउंट के बारे में डिटेल शो होंगे। तो फोटो देखने के लिए कि आपका एल्बम देखने के लिए योर एल्बम आर्काइव में क्लिक करें, जिसमें सी ऑल पर क्लिक करना है। सी ऑल पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपको जितना भी आपने गूगल प्लस पर फोटो गूगल में फोटो अपलोड किया होगा, आई मीन जीमेल अकाउंट में, उतना फोटो आपके सामने शो होंगे। अब देखिए सबसे शुरू में ऑप्शन शो हो रहा प्रोफाइल फोटो का, प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करने के बाद फिर से एक बार प्रोफाइल फोटो शो होंगे, जिसमें क्या लिख रहा है, प्रोफाइल फोटो दैट यू हैव क्लोजन फॉर एनी गूगल सर्विस दैट यू चूज इंक्लूडिंग गूगल प्लस, जीमेल। मतलब ये फोटोज आपको गूगल प्लस पर भी यूज होता है, जीमेल पर भी यूज होता है, हैंगआउट्स पर भी यूज होता है और अदर डिवाइसेस पर भी यूज होता है, मतलब अदर सर्विस में भी यूज होता है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर से हम प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करने के बाद आपके पास जितना भी प्रोफाइल पिक्चर होगा वो सामने शो होगा। अब चलिए हम लास्ट वाले फोटो को डिलीट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे 3 डॉट आइकन राइट साइड में, उसके बाद डिलीट फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिलीट फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि डिलीटिंग इज परमानेंट एंड कांट बी अनडू, मतलब बोल रहे कि अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें, और मतलब ये डिलीट कर दीजिएगा तो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और फिर अनडू नहीं होगा, मतलब बैक वापस नहीं आएगा, इसलिए सोच समझ कर डिलीट करें। मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ, ये फोटो डिलीट हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ पर डिलीट पर क्लिक नहीं किया है एक्चुअली, क्योंकि हम इस फोटो को डिलीट नहीं करना चाहते, हम आपको स्टेप को समझाना चाहते थे। अब अगर आपने डिलीट कर दिया होगा, अगर फिर भी शो हो रहा होगा तो एक बार रिफ्रेश कीजिएगा ब्राउजर को, ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक।